हिकमा हर्बल हेल्थ केयर हकीमा सबा खान जो कि 30 साल तजुर्बा रखते हुए आवाम का बेहतरीन तौर पर इलाज कर रहे हैं। बोधन में ईद मिलादुन नबी का जुलूस बड़े ही धूमधाम से जुलूस निकाला गया और ये जुलूस हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी दरगाह से होते हुए ओल्ड बस स्टैंड पार्क में खत्म हुआ। जुलूस कमेटी की जानिब से पुलिस डिपार्टमेंट की शाल पोशी और गुल पोशी की गई है और कमेटी ने म्यूनसिपलिटी और पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया भी अदा किया है। खबर आप देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम उम्मत मोहम्मदिया को गौस नगर और बोधन की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद है और जितने आशिकान रसूल मद्दाखान रसूल इस जुलूस मोहम्मदी में शिरकत फरमाए बोधन की तारीख में फिर से एक मरतबा बहुत ही उमड़ता हुआ सैलाब की तरह जुलूस मोहम्मदी में आशिकान रसूल यहाँ पर मौजूद है। तमाम आशिकान रसूल को मसलक आला हजरत और दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा महल्ला गौस नगर के नौजवानों की जानिब से मैं अंसार खान AIMIM की जानिब से तमाम को जुलूस मोहम्मदी की मुबारकबाद देता हूँ और ये अपनी बात को इस शेर के जरिए से ख़त्म करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। शहर बोधन के तमाम मुसलमानों की जानिब से आलम इस्लाम के उम्मत मोहम्मदिया को ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही साथ ये तमाम जो जुलूस निकालने में यहाँ पर जो कमेटी ने मेहनत की है और इनका ताउन किया है पुलिस डिपार्टमेंट और तमाम अहदेदारों ने उन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और जितने भी आशिक रसूल आज यहाँ पर जश्न ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं उन तमाम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद और उन तमाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और उनके बेटे हकीम मोहम्मद अदनान जो अपनी खानदानी हिकमत से वाबस्ता रहते हुए अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आवाम की बीमारियों को पहचान कर उन्हें शिफायाब कर रहे हैं। हर रोज सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक हिकमा हर्बल हेल्थ केयर जिसका पता है किला गोलकुंडा रोड बिसाइड MSK फंक्शन हॉल मोहल्ला।